सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो भुजायाणं नमो लोये सौवसाहुणं एसो पंचणमो यारो सौवे पावपरिणाशनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोलो महावीर भगवान की, प्रभु चाचा श्यादी सागर जी महाराज की, प्रभु चाचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, प्रभु चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, प्रभु चाचा सन्मति सागर जी महाराज की, प्रभु चाचा सुनील सागर गुरुदेव की। तो आज के मंगल क्षण जो हर एक घटना जीवन में घट रही होती है, हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही होती, चाहे अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना हो, घटनाओं पर जो लेबल लगाते हैं, घटनाओं पर जो सील ठप्पा लगाते हैं, हम ही तो लगाने वाले होते हैं। बताओ आप, आपका मन, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि घटनाओं पर सील ठप्पा लगा देती है, घटनाओं को क्लासिफिकेशन कर देती, क्लासीफाई कर देती कि ये घटना अच्छी, ये घटना बुरी। चाहे अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना हो, हर घटना हमको हमारे लक्ष्य की तरफ ले जा रही होती है। खास जीवन में तीन तरह की घटना घटा करती है। क्या? एक कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है। क्या? मनोविज्ञान बोलता है जो ज्वलंत इच्छाएं होती है, बर्निंग डिजायर, एक तीव्र इच्छा, अदम्य इच्छा, वो इच्छा का बीज जब दिल के भीतर, दिल की धरती पर, आत्मा के भीतर जो बीज हम बो देते हैं, फिर वैसे वैसी घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। आपकी इच्छा थी मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना, बहुत तीव्रता से, बहुत दिल की गहराइयों से, पूरी शिद्दत से। जब कोई इंसान कोई संकल्प करता, कोई सपना संजोता, कोई ठान लेता है, तब 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 पूरी कुदरत, पूरी कायनात उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। चाहे कुछ अच्छा पाना है या कुछ बुरा पाना है, उसी दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन संकल्प किया था, जिस दिन सपना देखा था, क्या उस दिन तो आपके पूरे अस्तित्व ने, आपके पूरे अस्तित्व ने, इस पर ब्रह्मांड ने डिसीजन किया था। जब इसकी इतनी जोरदार इच्छा है, जब इसकी इतनी तीव्र भावना है, तो जो चाहिए वो इसको मिलना चाहिए, वो मैं उसे दे के रहूंगा, और आप पे कदम उस दिशा में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और संभव है कि महीने दो महीने बाद, साल दो साल बाद आप भूल जाते हैं कि उस दिन मैंने क्या संकल्प किया था, लेकिन आज भी आपका उठा हुआ हर एक कदम आपको अपने लक्ष्य संकल्प की तरफ आगे बढ़ा रहा होता है। ये अलग बात है कि आप भूल गए संकल्प मैंने उस दिन क्या किया था। कई सारे लोग बेहोशी में जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये दूसरा रीजन जो होता, घटनाएं क्यों घटती जीवन के अंदर, जो भी घटना जीवन में घटती है, चाहे अच्छी चाहे बुरी हो, घटनाएं क्यों घटती है? तब इंसान जब बेहोशी का जीवन जीना शुरू कर देता है, तो कुदरत से, प्रकृति से, ब्रह्मांड से, या अपने नसीब से, या अपने पुण्य कर्मों से जो संकेत मिलते, जो इशारे मिलते हैं, उन इशारों को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। उन संकेतों पर चल नहीं पाता है, और जब वो संकेत को नजरअंदाज करेगा, जब उन संकेतों पर चल नहीं पाएगा, तो लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। हर एक घटना एक संकेत, एक इशारा है, एक पुकार, एक आह्वान, एक आपको बुलावा है। और जब इस बुलावे को, जब इस इन्विटेशन को आप देख नहीं पाते, आप बेहोशी का जब जीवन जीने लग जाते हैं, थोड़े से मौज मस्ती के लिए, थोड़े से शौक के लिए, थोड़े से अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, थोड़े से अपने घमंड को और मजबूत बनाने के लिए, अपना और मेरा रुतबा, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी नाक, तो क्या होता है, फिर झटके लगते हैं, फिर झटके लगते हैं। और फिर क्या होता है कि वो झटके हमको बेहोशी से निकाल करके वापस हमको होश में लाके खड़ा कर देती थी। तेरा लक्ष्य तो ये था, तू तो ये पाना चाहता था, और तू बढ़ की दिशा में रहा है। तो एक जो घटनाएं घटती है, दूसरा रीजन ये होता है। पहला रीजन कौन सा था, पहला कारण कौन सा था? आपने संकल्प किया था, आपने सपना संजोया था, आपने पूरे दिल की गहराइयों से कुछ चाहा था, कुछ पाने की इच्छा की थी, कुछ ब्रह्मांड से या परमात्मा से आपने कुछ मांगा था। तो उसको पूरा करने के लिए सारी घटनाओं का ताना बाना कुदरत, किस्मत बुन देती है, पूरा ताना बाना बुनती है। स्वेटर बनाते, नहीं बनाते आप, कपड़े बनते, आपके कपड़े बनते, वस्त्र बनते, उसमें ताना बाना बुना जाता है। जब कोई कारीगर आप जहाँ कपड़े बनते हैं वहां पर जाकर देखिए, जो विविंग मशीनें होती है जहाँ पर कपड़ों में डिजाइन बनती है। जब आप कपड़े में डिजाइन बनना शुरू हो रही होती है, जब को 10 20 25 50 धागों को वो कारीगर या तो हाथ से मशीन से जोड़ रहा होता है, तो स्टार्टिंग में शुरुआत में आप डिजाइन बनते देखकर आपको अंदाजा नहीं लग पाता है, आप सपने में नहीं सोच सकते हैं कि अभी जो ये 2 4 6 10 20 25 50 धागे मिल रहे हैं, ये धागे जब पूरे बनेंगे, जब पूरी चादर बनेगी, जब पूरी साड़ी बनेगी या जब पूरी चटाई बन जाएगी, तो उसमें ये वाला फूल बनेगा, ये वाली पत्ती बनेगी, ये वाला डिजाइन बनेगी। डिजाइन बनने के बाद में आपको मालूम पड़ता है कि इसमें ये डिजाइन बनने की शुरुआत हो रही थी। शुरुआत में आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होने वाला है। तो ऐसे क्या होता है कि कुदरत आपको झटके देती है, किस्मत आपको संकट मुसीबत के पहाड़ जीवन में खड़े कर देती है। क्यों? ताकि होश में आप जागे, देखें कि लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। कोई छोटे छोटे लक्ष्यों को लेकर जीवन में चलता है, मुझे स्कूल बनानी है, मुझे कॉलेज बनाना है, मुझे हॉस्पिटल बनाना है, मुझे बंगला बनाना है। कोई धर्मात्मा ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने लिए सपना नहीं देखते हैं, पूरी बरसों बरसों के जन्मों जन्मों के जीवन का एक अधूरा सपने को संजो करके यहाँ पर आते हैं। मुझे मोक्ष पाना, मुझे परमात्मा को जाना है, मुझे पाना है। तो ये घटनाएं चाहे अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना हो, खासे बुरी घटनाएं, ये घटनाएं इंसान को सही रास्ते पर लेकर के आ जाती है। बस कुदरत उसी तरह से हमको जीवन के अंदर रास्ता बताया करती है। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी वो कैसे मालूम पड़े कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही है कि नहीं है? क्या मालूम, हो सकता है हम गलत दिशा में पहुंच जाएं, कहीं और पहुंच जाएं, और जहां पहुंचना था वहां पहुंच के हमको मालूम पड़े, अरे मैं तो गलती कर दी, ये दिल्ली बम्बई कलकत्ता तो है नहीं, ये दिल्ली बम्बई कलकत्ता तो है नहीं कि पहुंचने के बाद मालूम पड़े कि अरे मैं गलत शहर में आ गया, फिर वापस ट्रेन पकड़ो, फिर वापस लौट के जाओ, है ना। तो ये तो जीवन का उद्देश्य लक्ष्य क्या है मुझे पहले से तो मालूम है नहीं। अब मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूं, मैं जो भी मंजिल मैंने तय करी है, जो भी रास्ता, जो भी पाथ मैंने डिसाइड किया है, जो भी रूट मैप मैंने मन के अंदर प्लान किया है, तो मेरा वो प्लानिंग, मेरी वो कार्य, मेरी वो गतिविधि, मेरा वो स्वभाव, मेरा वो व्यवहार, मेरी वो आदतें मुझे लक्ष्य तक पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, ये कैसे मालूम पड़े? गलत जगह पहुंच गया तो इतने सारे बरस, इतना सारा समय, इतना सारा पैसा, इतना सारा टाइम सब मेरा खराब चले जाएगा। तो कैसे मालूम पड़े कि जो मैं कर रहा हूं उससे मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिलेगा नहीं मिलेगा? तो उनसे एक सवाल पूछता है लोगों समय, क्या देखो, लक्ष्य तब मिलता जीवन का जब इनमें शांति होती, प्रेम होता, आनंद होता है। दत्ता सूत्र के अंदर, ग्रंथों के अंदर, 6वें अध्याय के अंदर उमा स्वामी आचार्य, दुख सुख तापा कर्दन, जब भीतर से दुखी होते हैं, भीतर से अरति की भावना पैदा होती है, जब भीतर से आप चढ़ना शुरू करते, कुड़ना शुरू करते हैं, जब दूर भागना आप शुरू करते हैं, इसका मतलब होता है आप पाप कर्म का बंद कर रहे हैं। जब पाप कर्म का बंद करते जाएंगे तो आपको लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं उस काम में आपको आनंद आ रहा होता है, संतुष्टि मिल रही होती है, प्रसन्नता मिल रही होती है, खुशी मिल रही होती है, मतलब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कई सारे लोगों से पूछता हूं, कल्पना करो आज आपके पास में सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, स्वास्थ्य है, रिश्तों में मिठास, सब कुछ है, आज आपके पास सब कुछ है। अब एक सवाल का जवाब दो, पहले आप ये मानो सब कुछ है मेरे पास में, कुछ अभाव नहीं है, कुछ कमी नहीं है। अब एक सवाल का जवाब दो कि आज आप जो भी कुछ कर रहे हैं, कि आप यही करते रहना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं? बोलो आप। 90% लोग से मैं पूछता हूं, 90% लोग जवाब, बल्कि 99% लोग जवाब देते हैं कि सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है, ना आर्थिक रूप से ना शारीरिक रूप से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं है। और फिर उनसे पूछो कि आप यही काम करना जारी रखोगे, कुछ और काम करना चाहोगे? लोग बोलते हैं नहीं, हम कुछ और काम करना चाहते हैं, हम कुछ और काम करना चाहते हैं। क्या मतलब इसका? जहां है उस काम में आपका 100% पूरा मन, पूरे प्राण, पूरी आत्मा उस काम में जुड़ नहीं रही है, मतलब क्या है? या तो आर्थिक रूप से कोई समस्या है, शारीरिक रूप से कोई समस्या है, यह सारी समस्या एक साथ जुड़ी हुई है, या फिर इसलिए भी इस काम को आप कर रहे हैं, मजबूरी है, कोई विकल्प नहीं है, कोई दबाव, कोई जोर आपके, इसलिए आप इस काम को कर रहे हैं। क्या समझे? तो इसलिए 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 सफलता नहीं मिल पाती है। क्या? मजबूरी में कुछ काम किया जा रहा है, चाह है तो कुछ और है, मौका मिलेगा, कुछ सहयोग बनेंगे तो फटाक से कहीं और कूद जाएंगे। जिस काम को करने के लिए आपका जन्म हुआ है, पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में या भी 2 साल पहले या 5 साल पहले या 10, 20, 25 साल पहले, क्या आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य को पाने की दिशा में अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो कोई समस्या पैदा होगी, विघ्न पैदा होगी, झंझटें पैदा होगी। कई सारे बड़े बड़े हीरोइन को देख लो, अरे करोड़ों करोड़ों की दौलत कमा ली, लेकिन फिर भी वो हीरोगिरी छोड़ते नहीं है, फिर भी वो पिक्चर बनाना बंद नहीं करते। क्यों नहीं बंद करते? उनका लक्ष्य उनके जीवन का कि मुझे पिक्चरों में काम करना है, अपने अभिनय के माध्यम से, अपने सौंदर्य के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से पब्लिक को मुझे कुछ देना है। उनने ये लक्ष्य बनाया, हो सकता संभव है शायद कि नाम कमाने का लक्ष्य बनाया है, शायद उस प्रोफेशन से पैसा कमाने का लक्ष्य बनाया है, और दिमाग के भीतर, दिल के भीतर फिट बैठा हुआ है कि अगर इस प्रोफेशन को छोड़ दिया, इस फील्ड को छोड़ दिया, हीरोगिरी करना छोड़ दिया, तो इतना पैसा नहीं मिल पाएगा। क्या? इसलिए अब कई सारे गायक कलाकार हैं, कई सारे राजनीति के लोग हैं, क्या कुर्सी नहीं मिल रही है, चुनाव हार भी रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार चुनाव लड़ते हैं, क्यों? उनने लक्ष्य बनाया है देश की सेवा करने का, उनने लक्ष्य बनाया है जो कुछ हमारे पास नेतृत्व शक्ति है, नेतृत्व कला है, उसका फायदा, उसका लाभ औरों को दिया जाए। इसलिए वो कष्ट सहन करके भी, दुख सहन करके भी वहां से हटते नहीं है। सफलता चाहिए होती है। हाँ, सफलता मतलब क्या होता है बताइए? सफलता मतलब क्या होता है? बोलिए। शारीरिक रूप से आप मजबूत बने, मानसिक रूप से आप मजबूत बने, बुद्धि के रूप में मजबूत बने, भावनाओं के क्षेत्र में मजबूत बने, समाज में मजबूत बने, परिवार में मजबूत बने, और सबसे आखिरी आध्यात्मिक रूप में आप कुछ ठोस उपलब्धि को पाए। कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपकी आत्मा को, जन्म जन्मों से प्यासी, तड़पती, भटकती आपकी आत्मा को, कि वास्तव में कुछ मैंने पाया है उस परम का स्पर्श करने के लिए। तो सब अलग अलग लक्ष्य जीवन के होते हैं। क्या? तो जब तक ये सारी चीजें नहीं मिलती, दिमाग, बुद्धि, मन, हाँ, परिवार, रुपया, पैसा, ये वो, धर्म, अध्यात्म, तब तक लगता है कि सफलता अधूरी कही जाती है। तब तक सफलता, सही रूप में सफलता नहीं प्राप्त होती। ये मिल गया, वो छूट गया, वो मिल गया, ये छूट गया, जब सब एक साथ मिलता है तो सफलता मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सफलता इसे नहीं कहते हैं। ये लोग ऐसे होते भी है, कई लोग ऐसे भी होते जीवन के अंदर कि सब कुछ उनके पास, लेकिन फिर भी भीतर से कमी महसूस होती है, कोई खालीपन उन्हें महसूस, कुछ ऐसा था जो मिलना चाहिए था लेकिन मिल नहीं पाया। वो क्या था? वो जीवन का उद्देश्य। जब जीवन का उद्देश्य जब इंसान को मिल जाता है, फिर वाले पैसा हो नहीं हो, नाम हो नहीं हो, रिश्तों में माधुर्य हो नहीं हो, लोग पसंद करे ना करे, वो परवाह नहीं करता है, वो चलते चलता है। जब आपके मुश्किल, मैंने बोला महिलाएं जब गर्भवती होती है कितना दर्द होता है, लेकिन वो सहन करती है। बच्चा जब IAS का एग्जाम की तैयारी देता है, बच्चा जब किसी बड़े भारी परीक्षा की तैयारी देता है, तो 12-12 घंटे, 15-15 घंटे वो स्टडी टेबल पर गुजार देता है, पढ़ते पढ़ते बिता देता, आंखों में दर्द हो रहा होता, नींद आ रही, शरीर टूट रहा होता है, कई बार भूखा रह जाता है, प्यासा रह जाता है। क्या? लेकिन सारे कष्ट सहन करता खुश होकर के। क्यों? लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको पाने के राह में जो कांटे आएंगे, जो मुसीबतें आएगी, जो जूते पड़ेंगे, जो गालियां मिलेगी, जो अपमान होगा, जो निंदा होगी, सब कुछ मैं सहन करूंगा। क्यों? उस लक्ष्य के खातिर। लक्ष्य आपको ताकत देता है, जब उद्देश्य आपको समझ में आना शुरू हो जाता है, जब उद्देश्य आपको मालूम पड़ता है जीवन का उद्देश्य मेरा ये है, फिर भीतर से खुशी होती है और भीतर की खुशी आपके शब्दों में झलकना शुरू हो जाती है। हर एक इंसान को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर देते हैं, बधाइयां देना शुरू करते हैं, पुरस्कार देना शुरू करते हैं, ये इंसान मेरी लाइफ में आया। क्या माई लाइफ इज लाइक ए पिक्चर, मेरी लाइफ किसी मूवी की तरह इंसान मेरी लाइफ में आया। तो क्यों आया? इस धन्यवाद इंसान को, इस इंसान ने मेरे जीवन में आकर के विलेन का रोल प्ले किया, खलनायक का रोल प्ले किया, धन्यवाद इसको। अगर ये विलेन मेरे लाइफ में नहीं आता तो मेरी जीवन की पिक्चर अच्छे से नहीं हो पाती। ये इंसान मेरे लाइफ में आया तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने सहायक हीरो का रोल पे, हीरो के साथ में उसका दोस्त यार नहीं होता, उसने वो रोल प्ले किया, धन्यवाद इसको। इंसान मेरी लाइफ में आया, इसने इस संगीतकार का रोल प्ले किया, धन्यवाद इसको। इंसान मेरी लाइफ में आया, मेरे जीवन की पिक्चर को बनाने के लिए डायरेक्टर का रोल प्ले किया, इसको धन्यवाद, इसका आभार। आप हर एक इंसान को आभार मानना शुरू करते हैं। अगर आप जीवन का लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आप हर एक इंसान का आभार मानना शुरू करते हैं। और जीवन में शिकायतें हैं, जीवन में दर्द हैं, जीवन में तकलीफें हैं, जीवन में मुसीबतें हैं, जीवन में अगर पीड़ाएं हैं, मतलब ये आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिंदगी को संकेत दे रही है, कुदरत को संकेत, आपको उन संकेतों को आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप ध्यान याद कीजिए, बचपन की बातें याद कीजिए। बताओ, वो एक नक्शा हुआ करता था हिंदुस्तान का, है ना, वो टुकड़े टुकड़ों में कटा हुआ होता था। आप टुकड़ों को जोड़ जोड़ के नक्शा बनाते थे हिंदुस्तान का। और क्या होता था, कुछ टुकड़ा अगर यहाँ से वहां जोड़ता था तो आपको समझ में आता था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो क्या आप उसको ठीक ढंग से उसको आप जोड़ देते थे। कहीं और टुकड़ा जोड़ेगा तो वो आपको जमेगा नहीं, वो समझ में आएगा, आंखों से दिखाई देगा आपको क्या कि ये ठीक ढंग से ये चीज हो नहीं पा रही है। आप उस जगह को खाली छोड़ देते हैं, यहाँ पे टुकड़ा फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा टुकड़ा फिट बैठेगा, तब तक खाली छोड़ा जाए। तो जीवन भी खेल की तरह होता है, जीवन में कुछ टुकड़ों को जोड़ करके एक नक्शा बनाना होता है।